वेलकम बैक इन माय चैनल बेस्ट कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज शिवानी एंड अब हम लोग अपना चैप्टर टू सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद हम लोग नया चैप्टर थ्री पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो एक मेजर रोल प्ले करता है पूरे अकाउंटिंग के जो है टर्म्स में या कहें अकाउंटिंग के बुक में, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा आज का थर्ड चैप्टर है वो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमारा आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी जिसे हम इंड एएस भी कहते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का थ्योरी बेस, यानी हमारा उसमें जो भी तरीका बताया है कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है, बुक रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, क्या प्रिंसिपल है, क्या रूल है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो ये बहुत ही रिलेवेंट हो जाता है क्योंकि ये बेस है पूरे अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो हमें बताते हैं क्या रूल्स है, क्या प्रिंसिपल्स है, जिनके बेस पे हमें अपने रिकॉर्ड्स को तैयार करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना है। तो वो जब हमें थॉरली नॉलेज होगी तो ही हम अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर पाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। ओके, देखिए थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जिसमें कवर किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे हम इंड एएस कहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कवर ही कवर है, कुछ आपके बाहर के भी स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है जो ओवरऑल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किए जाते हैं उन्हें भी बताया गया है, ठीक है। तो वो सब भी कवर है इस चैप्टर थ्री में। तो पहले तो मैं इस चैप्टर का जस्ट एक इंट्रो स्टार्ट करना चाहती हूँ कि ये चैप्टर में है क्या, थोड़ा सा वो बताऊं, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बन के आया है वो आपने एक नाम सुना होगा गैप, ठीक है, उससे निकल के आया। वो क्या है उसका एक जस्ट इंट्रो है। देखिए हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट्स है एंड कन्वेंशंस है, तीन चीजें उनको हम कॉमनली जनरली जो जिस नाम से जाना जाता है वो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये तीनों इसी नाम से जाने जाते हैं, यानी हमारे अकाउंटिंग के चाहे प्रिंसिपल की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें या कन्वेंशंस की बात करें, ये इन तीनों को गैप के नाम से यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है उसमें ये कवर करता है, उन्हीं को हम लोग गैप बोलते हैं, ठीक है, या फिर गैप। ये क्या चीज होती है, ये हमारे होते हैं गैप आर द बेसिक रूल्स, हमारे जो बेसिक यानी कि स्टार्टिंग के रूल है जिनके हिसाब से हमें आगे अपने स्टेटमेंट्स बुक मेंटेन करना, वो है रूल्स है जो डिफाइन करते हैं द पैरामीटर्स एंड कंस्ट्रेंट। पैरामीटर यानी कि एक गाइडलाइंस, एक वो जो है स्टैंडर्ड्स या मेजरमेंट जिसके बेस पे आपको अपने कुछ भी करना है वो स्टैंडर्ड्स बताते हैं, वो पैरामीटर है कि जिसके हिसाब से आपको अपने रिकॉर्ड्स को तैयार करना है, या फिर वो कंस्ट्रेंट को भी बताता है। कंस्ट्रेंट यानी कि बीच में कोई रुकावट का आना या जो कुछ ऐसी कंडीशंस लगा देना कि उस कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले हमने कहा अगर हमें कार ड्राइव करनी है तो कार आप तभी ड्राइव कर पाओगे जब कार में पेट्रोल होगा, यानी आपके लिए कंस्ट्रेंट क्या हुआ, पेट्रोल, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में भी कुछ रूल्स रेगुलेशन या कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट है जिनको फॉलो करते हुए ही हम अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, ठीक है, विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स, इसी के हिसाब से ही हम अपनी अकाउंटिंग को ऑपरेट करते। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने जैसे अभी अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को समझा कि हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस पे करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी, जो उन दोनों में लोअर होता है। तो ये कंस्ट्रेंट लग गया कि हम सिंपली कॉस्ट पे जिस पे खरीद के लाए उस पे नहीं करेंगे, हमें दोनों मेजरमेंट दोनों जो है अपने पैरामीटर्स है उनको चेक करना होगा कि उस टाइम की एनआरवी क्या चल रही है और उस टाइम की कॉस्ट क्या चल रही है, उन दोनों में जो भी लेस होगा वो हमारी जो है कॉस्टिंग का वैल्यूएशन का पार्ट बनेगा और उसी पे ही हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट को जो है प्रेजेंट करेंगे उसी प्राइस पे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इसमें आगे और समझाया गया है कि मतलब ये इसका रिलेवेंस क्या है, किस तरह से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, देखते हैं आगे। ये बोल रहे हैं ये जो प्रिंसिपल्स है वो टोटली थ्योरी बेस्ड है, यानी कि हमें जो जितने भी रूल्स और रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स बताए गए वो सारा कुछ थ्योरी में, लेकिन उसका एप्लीकेशन प्रैक्टिकली होता है, ठीक है।
theory base of accounting है, on the basis of which financial statement are prepared, मतलब यही principle के ही basis पे हम अपना financial statement को तैयार करते हैं, okay? यानी जो भी हमें इसमें principles, rules और जो है हमारे concept बताए गए, उन्हीं के base पे हम अपने financial statement को तैयार करते हैं. Financial statement covers trading and profit and loss account and balance sheet, statement of balance sheet, ठीक है, ये सारी चीजों को cover करता है. और ये बनेगा किसके base पे, जो principle हमारे accounting standards या Indian accounting standards में define किए गए, they are the guidelines. ठीक है, इन अदर वर्ड्स में अगर हम बोले इन सिंपल वर्ड कि हमारे ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या गैप ये क्या है, ये है एक बेसिकली गाइडलाइंस है. गाइडलाइंस किस चीज का, कि फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे तैयार करना है, ओके. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पूरे साल की पोजिशन को, फाइनेंशियल पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है. आगे कुछ और लाइन्स कही गई है, वो भी देखिए. ये जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, गैप है, ये जो है इशू किया है या बने हुए हैं ICAI के द्वारा. ICAI का मींस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको बनाया है. ठीक है, तो उनका मेनली जो ऑब्जेक्ट था बनाने का ये, कि टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जो, कि हाँ हमें ये तैयार करना, उसको स्टैंडर्डाइज करना, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना एक स्टैंडर्ड वे, कि हाँ ये इस तरीके से सबका एक जैसा ही बनना चाहिए, सभी ने एक रूल्स को फॉलो करके जो है बनाया, तभी हम मेजरमेंट कर पाएंगे, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे जब वो एक स्टैंडर्ड बेस पे होंगे. ठीक है, तो उनका इंटेंशन यही था कि टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या, कि रिकॉर्ड मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना, इन सबको स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, आगे ये कहते हैं इनिशियली, यानी जब शुरुआत में जब ये आया था हमारे अकाउंटिंग, तब वो ओनली रिकमेंडेटरी था. रिकमेंडेटरी मतलब कि सिर्फ रिकमेंड किया जा रहा है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, तब वो कंपलसरी नहीं था. बाद में धीरे धीरे जब इसका जो है कॉज एंड इफेक्ट आने लगे, इसका रिजल्ट दिखने लगा कि ये सही है, सब कुछ सही से ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, फिर वो धीरे धीरे मैंडेटरी होने लगा. वही ये कह रहे हैं, इनिशियली दे आर रिकमेंडेटरी बट वर ग्रेजुअली मेड मैंडेटरी. धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मैंडेटरी यानी कि कंपल्सरी हो गया कि आपको इसको फॉलो करना ही करना है. ठीक है, आगे ये कहते हैं कि अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ये नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज पे एप्लीकेबल. नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज का मतलब हो गया यानी जो कॉर्पोरेट एंटरप्राइज नहीं है, मतलब कि फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सब लोगों पे एप्लीकेबल होता है. लेकिन लेटर ऑन अब ये कंपनीज, मतलब कंपनीज को भी इसने कवर किया, और कंपनीज के लिए प्रॉपर जो हमें कंपनीज एक्ट 2013 में नोटिफाइड है, उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें कंपनीज के अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं एप्लीकेबल ऑन फर्म एंड ऑन कंपनीज, यानी ये दोनों पे एप्लीकेबल है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ग्रुप ऑफ पर्सन पे एप्लीकेबल हो, नहीं, इसने फर्म को भी कवर किया, कंपनीज को भी कवर किया. लेकिन कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नोटिफाइड है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में, वो अप्लाई होते हैं. ठीक है, हर किसी के लिए अलग अलग बना है, क्योंकि एकदम सबको एक प्लेटफॉर्म पे भी नहीं रख सकते. लेकिन हाँ, जैसे जो जितनी कंपनीज बनी है तो कंपनीज वाले कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करेंगे, जो भी फर्म है तो वो फर्म के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनके, क्योंकि हर किसी की कैपिटल अलग अलग होती है, सब कुछ अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग रूल प्रिंसिपल्स बने हुए. तो ये तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया इस चैप्टर का. अब इस चैप्टर में आगे आगे आप धीरे धीरे कन्वेंशंस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, इन सबको भी पढ़ेंगे जिनको हमें अप्लाई करना होता है. हमें यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया कि हाँ ये है क्या चीज. ठीक है, कि ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है क्या, इसको समझ लिया. तो आई होप सो आपको आज का वीडियो समझ में आया हो. ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन बटन, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे अपकमिंग वीडियोस के. आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.